नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। मैं हूं वर्षा और आइए नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। पंडित सुखराम पोते आश्रय शर्मा के साथ कांग्रेस में लौटे, सीएम जयराम ठाकुर बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। धर्मशाला में चमत्कार, खतरनाक पहाड़ियों में 8 दिन बाद सुरक्षित मिला दिल्ली का लापता छात्र। एचपीयू में खूनी झड़प की जांच को बनाई कमेटी, 27 को आएगी रिपोर्ट। हिमाचल से विंटर सीजन रुखसत, 31 तक साफ रहेगा मौसम। और अब समाचार विस्तार से। लगभग सवा वर्ष पहले वीरभद्र सिंह से दूरियों के चलते कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए पंडित सुखराम परिवार ने एक बार फिर से कांग्रेस में वापसी कर ली है। दिल्ली में पंडित सुखराम और उनके पौत्र आश्रय शर्मा ने सोमवार को फिर से कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। मंडी संसदीय सीट पर अब भाजपा के रामस्वरूप शर्मा और कांग्रेस से आश्रय शर्मा के बीच मुकाबला हो सकता है। हालांकि अभी तक पंडित सुखराम के बेटे और प्रदेश भाजपा सरकार में मंत्री अनिल शर्मा ने भाजपा से त्यागपत्र नहीं दिया है। अनिल शर्मा ने इस बात का निर्णय पार्टी पर छोड़ा है। वहीं दिल्ली में पंडित सुखराम ने कहा कि मैं अपने घर वापस आया हूं। मुझे नहीं मालूम कोई ऐसी बात हुई क्योंकि मैंने सीएम साहब को अवगत शुरू करा दिया था कि इस तरह की प्रक्रिया जो है इसमें चल रही है और जानकारी मैंने दे दी थी और उसके बाद क्या हुआ, क्या आगे चल रहा उसके बारे में मुझे कोई सूचना नहीं। देखते हैं क्या होगा क्योंकि समय आएगा तभी उसका जवाब दे पाऊंगा। इसी बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पंडित सुखराम के कहीं भी आने जाने से भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनका दावा है कि भाजपा चारों सीटें जीतेगी। अपनी सरकार में मंत्री अनिल शर्मा के बारे में उन्होंने कहा कि यह उन्हें तय करना है कि वे क्या चाहते हैं। दादाजी, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस में जाने के विषय तो तब होता अगर वो हमारी पार्टी में सदस्य के रूप में होते। शायद मुझे लगता कि अभी वो पार्टी में हमारी उनके सदस्यता ही नहीं है पंडित सुखराम जी की और उनके बेटे की, इसलिए वो अपने निर्णय के लिए स्वतंत्र हैं, वो जो निर्णय करना चाहें करें। उधर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को अपने गृह क्षेत्र सराज के बालीचौकी में युवा मोर्चा के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आज भाजपा के सभी कार्यकर्ता खुद को चौकीदार बताकर गर्व महसूस कर रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि चौकीदार के साथ कांग्रेस ने देश के प्रधानमंत्री के प्रति ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो कहने लायक नहीं। सीएम ने कहा कि भाजपा ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करने में बाजी मारी है और इससे कांग्रेस खेमा सकते में आ गया है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, कहावत धर्मशाला में उस समय चरितार्थ हो गई जब त्रिउंड की बेहद खतरनाक पहाड़ियों में 8 दिन तक फंसे रहने के बाद दिल्ली के छात्र पर्यटक हिमांशु आहूजा को सुरक्षित निकाल लिया गया। त्रिउंड के आधे रास्ते में ढलान भरी पहाड़ियों में बिना खाए पिए और खतरनाक जंगली जानवरों से बचकर 8 दिनों बाद हिमांशु आहूजा का सुरक्षित बच निकलना किसी करिश्मे से कम नहीं है। बता दें कि स्थानीय प्रशासन व पुलिस ने 7 दिन तक सर्च ऑपरेशन चलाया लेकिन वह लापता छात्र को नहीं ढूंढ पाए। थक हार कर हिमांशु के पिता ने स्थानीय युवा ट्रैकरों को किराए पर हायर किया और खोज अभियान में लगाया और उन्होंने सोमवार सुबह 6 बजे सर्च अभियान शुरू कर मात्र 4 घंटे में ही हिमांशु को भागसूनाग से 3 किलोमीटर ऊपर लेटा माता मंदिर के पास भागसूनाग नाले में ढूंढ लिया और सुरक्षित निकाल लिया। जो कि हमारे भाई जी सारे 13 लोग हैं हम, जो कि देखिए कहाँ से आ रहे हम, बिल्कुल फाट है नीचे, देखिए कितनी बड़ी खाई है हम। इन स्थानीय ट्रैकरों में सचिन पठानिया, रंजीत, महेंद्र, कुलदीप, मनु शर्मा, अभिषेक और मनीष शामिल थे और उनके काम की सभी तारीफ कर रहे हैं। उनको मिल नहीं पाया, बाकी हमने जो टीम हायर करी ठीक है जी, वो ढूंढ के ला पाए। जो हमने टीम बीसीआर में हायर करी थी वो लेके आ गए। आपने कब हायर करी इसे टीम? हमने कल रात को टीम से बात करी थी और सुबह टीम 6 बजे के लिए हमने बोला था उनको, तो सभी इकट्ठे हो गए थे ठीक है जी। फिर 9 बजे तक हमने उनको निकाल दिया था, बातचीत टीम को समझा के ऐसे ऐसे उधर से समझा के कि कहाँ का सर्च करना है, कैसे जहाँ आम आदमी नहीं जाता ठीक है वहाँ अपने लोगों ने जाना है। इसे उनको हमने मैंने समझा के उनको ऐसे करके समझा के भेजा, उन्होंने इस तरीके से सर्च किया। और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में रविवार सुबह हुए खूनी संघर्ष के जांच के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने 6 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। प्रति कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र सिंह चौहान की अध्यक्षता में गठित कमेटी को 3 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने के आदेश कुलपति ने दिए हैं। प्रशासन ने विश्वविद्यालय परिसर में किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया है। अभी भी वहां माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सिकंदर कुमार ने कहा कि मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है और 27 मार्च तक रिपोर्ट सौंपने के निर्देश भी दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो पुलिस मेरे को रिपोर्ट देगी, जिस जिस कमरे से हथियार निकले हैं अभी रिपोर्ट आएगी। मैंने अभी एसपी साहब को, एसडीएम साहब को मैंने कह दिया है कि जिस जिस कमरे से हथियार निकले हैं उनके खिलाफ जो भी कानूनन कार्रवाई होगी। हिमाचल प्रदेश में कहर बरपाने के बाद विंटर सीजन रुखसत हो गया है। मौसम विभाग की माने तो राज्य से खतरे के बादल छंट गए हैं। हालांकि मौसम विभाग द्वारा 28 मार्च को फिर से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन यह भी कमजोर ही रहेगा। विभाग ने प्रदेश में 26 से 31 मार्च तक मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान लगाया है। इस दौरान राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में धूप खिली रहेगी। उधर नौराधार से हमारे संवाददाता संजीव ठाकुर के अनुसार सोमवार को चूड़धार में 10 सेंटीमीटर तक ताजा बर्फबारी दर्ज की गयी। शेष विश्व से कटा लाहौल एक माह बाद दुनिया से जुड़ जाएगा, यह दावा बीआरओ के अधिकारियों ने किया है। सोमवार को बीआरओ ने रोहतांग दर्रे से बर्फ हटाने का कार्य शुरू कर दिया है। मनाली लेह मार्ग की बहाली के लिए बीआरओ की 3 टीमें इस अभियान में शामिल की गई हैं। वहीं लाहौल की अन्य सड़कों को बहाल करने के लिए 2 अन्य टीमों को तैनात किया गया है। बीआरओ के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल उमाशंकर ने बताया कि मनाली लेह सड़क बहाली का कार्य सोमवार से बीआरओ मनाली की ओर से शुरू कर दिया है। बता दें कि लाहौल स्पीति की तरफ से बीआरओ की एक टीम ने फरवरी माह से मनाली लेह मार्ग पर बर्फ हटाने का कार्य शुरू किया है, लेकिन लाहौल स्पीति में बार बार हो रही बर्फबारी बीआरओ का कार्य प्रभावित कर रही है। मनाली लेह मार्ग की बहाली के लिए 300 जवानों को 5 टीमों में बांटा है। इनमें से 3 टीमें मनाली लेह मार्ग पर दिन रात काम करेगी तो वहीं 2 टीमें लाहौल की अन्य सड़कों को बहाल करेंगी। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। तेज बुखार, खांसी, गला दुखना, नाक बहना, सर दर्द, बदन दर्द, थकान, सांस लेने में कठिनाई, दस्त तथा उल्टियां, ये सभी स्वाइन फ्लू के लक्षण हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में तुरंत जांच करवाएं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और अब चलते चलते नालागढ़ के कृपालपुर में सुलगी ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, 15 लाख का नुकसान, 1 करोड़ की संपत्ति बचाई। आईआईटी मंडी के शिक्षक जी श्रीकांत को रेडियो साइंस में मिला युवा वैज्ञानिक अवार्ड। सुंदरनगर के धनोटू बग्गी रोड पर बीएसएल में बुलेट समेत समाये 2 युवक, 1 का शव बरामद। और 2630 एसएमसी शिक्षकों को सेवा विस्तार, चुनाव आयोग की परमिशन के बाद सरकार ने जारी की अधिसूचना। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं रमेश ठाकुर की यह कुल्लवी पेशकश। सेंज मारा होटल रोहे तुसे एंदे जांदे, सेंज मारा होटल रोहे तुसे आज के बुलेटिन में इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल और देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी।